आकांक्षी लवर्स एंड ये चैनल लवर्स। तो फाइनली मैं इतने दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी गाइस। और थैंक यू, आपने मुझे सपोर्ट किया और मेरी जर्नी के लिए मुझे गुड विशेस दी। और मैंने आपसे एक पोस्ट से पूछा था कि आप लोग क्या चाहते, तो काफ़ी लोगों ने मुझे रिप्लाई दिया और मुझे उनकी रिप्लाई सुन के बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मैं भी यही चाहती हूँ, छोटी मोटी फाइट्स और क्यूट सीन्स। और फिलहाल के लिए प्रेगनेंसी तो थोड़ी सी दूर है, पर अगर आप लोग चाहते हो तो मैं वो भी शेयर करूँगी, पर थोड़ा सा देर बाद। पहले अभी क्यूट सी फाइट्स हो जाए, क्यूट सीन्स हो जाए, उसके बाद मैं उसे भी शेयर करने की कोशिश करूँगी अगर पॉसिबल हुआ तो। तो आई होप, और थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए गाइस। सच में आपके कमेंट सुनकर पढ़कर मेरा दिल तो एकदम बाग बाग हो जाता है। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए तो चलिए आज का ये क्यूट सा पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा था कि डॉक्टर्स जो हमारे प्यारे से ईबो को चेक करके एग्जामिन करके हैं बाहर आए हैं, और हमारी प्यारी लैन ई उनसे ईबो से मिलने की परमिशन मांग रही है, और डॉक्टर्स उन्हें परमिशन दे भी देते हैं। और तब लैन ई कहती है कि शौजान सबसे पहले तुम जाओ, तुम ईबो से मिल लो। शौजान इस पर थोड़ा सा हिचक कर रहा था, जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो सबसे पहले ईबो की मॉम को जान देना चाहता था, क्योंकि वो कितनी ज़्यादा देर से रो रही थी जब से ईबो अंदर था। पर लैन ई के कहने पर वो अंदर चला गया। उसने अंदर जाते डोर तो बंद कर दिया, पर धीरे से हमारे प्यारे से वांग सी चैन ने थोड़ा सा गेट ओपन कर लिया सबके सामने और कहा कि आप में से किसी को डाउट है ना कि शौजान उसके लिए ठीक नहीं है, तो चलिए हम सुनते हैं कि शौजान क्या कह रहा है ईबो से। शौजान धीरे से ईबो के कमरे में जाता है। ईबो अभी भी बेहोश अनकॉन्शियस बेड पे लेटा हुआ था, उसके सर पे बैंडेजेस थी और चेस्ट पे जहाँ पर उसे जान ने बाइट किया था उसके अगल बगल हल्की सी मेडिसिन अप्लाई हुई थी, तो उसका वो पूरा जगह उसका शर्ट खुला हुआ था, थोड़ा सा उसका चेस्ट दिख रहा था शौजान को क्लियरली। और तब जान ने बहुत ही प्यार से ईबो के हाथ को पकड़ लिया, बहुत आराम से, वो एकदम केयरिंग वे में उसे पकड़ रहा था, वो बिल्कुल भी उसे पेन नहीं देना चाहता था, बहुत आराम से उसने उसके हैंड को पकड़ा बहुत प्यार से। और तब शौजान ने कहना स्टार्ट किया, ईबो ये कैसे हो गया, शायद हम दोनों को ये समझ नहीं आया, ये क्या हो गया, मैं नहीं जानता कैसे हो गया, कोई नहीं जानता, किसी को कुछ समझ नहीं आया। इस तरीके से एक अल्फा एक ओमेगा को क्लेम करे पहली बार मैंने सुना है। तुम्हें पता है मीडिया वालों ने न्यूज़पेपर पे हेडलाइंस दी है, सब चीज़ लाइव हो रहा था और मीडिया वालों को तो बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ मिल गया। मैं एक बिलीनियर हूँ और तुम भी, हम दोनों ही ऐसे मिले, नहीं जानता ईबो कि क्या हो गया, पर मैं तुम्हें फील कर रहा हूँ, ये बाइट जो मैंने तुम्हें दिया है, मैं तुमसे धीरे धीरे शायद कनेक्ट हो रहा हूँ। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं तुम्हें क्लेम करूँ, तुम्हें अपना ओमेगा बनाऊँ, पर मैं नहीं चाहता था कि मैं ऐसे तुम्हें क्लेम करूँ, ये एक तरीके का फोर्स ही है, पर मैं सच बताऊँ ना तो मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे क्लेम करो, बेशक इससे मेरी तबीयत ख़राब रहने लगेगी, मुझे दर्द होगा, पर मैं सच में नहीं चाहता, जब तक तुम मुझे अपने दिल से अपना अल्फा ना मान लो तब तक तुम मुझे क्लेम मत करो। क्लेम करना ज़रूरी नहीं होता, जब तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है तब तक मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे क्लेम करो। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा मुझे अपना अल्फा मानने के लिए, क्योंकि तुम्हारे दिल में जो मेरी इमेज है वो बहुत ज़्यादा बुरी है, इसकी वजह भी मैं ही हूँ। उस दिन जो फ़ोटोशूट पे हुआ वैसे नहीं होना चाहिए था, फिर मैं क्या करूँ, वो सब उस फोटोग्राफर की गलती है, मेरा तो बस चलता ना, मेरा मन कर रहा था कि मैं उसे उसी समय खून कर दूँ मैं उसका। कोई नहीं, अब तो मेरे पास हो, तुम मुझे अल्फा ना मानो मैं अपना, पर अब
तुम तो मेरे ओमेगा हो ना, अब मैं तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ देख भी नहीं सकता। मेरी सेंटर ऑफ अटेंशन तो हमेशा से ही तुम थे, पर अब दुगना हो गया है। अब तो मेरे दिल, दिमाग, मेरा हर एक पल अब सिर्फ तुम्हारा है। इवो, प्लीज़ उठने के बाद मुझे खुद से दूर मत करना। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी केयर करूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। इवो प्लीज़, तुम अपना टाइम लो, पर प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करना। ये सभी बातें जान इवो से कह रहा था। शायद वो कभी ये बातें उसके सामने कभी नहीं कहेगा, पर अब जब इवो कुछ सुन नहीं रहा तब अपनी दिल की बातें कह रहा है। कितना ख़राब है ना। जब इवो जागता, जब उसने अपनी आँखें खोली थी, तब काश शौदान ये सब कहता तो शायद इवो के दिल में भी उसके लिए वो बैड बॉय वाली या डेविल पर्सन वाली इमेज हट जाती। पर शौजान है कि एरोगेंट कहीं का, कह नहीं सकता। ये सभी बातें वांग शिचैन सोच रहे थे, और क्योंकि ये सभी बातें वहाँ पूरी वांग और जान फैमिली सब सुन रहे थे, ये सभी बातें। और लैन शिचैन की दिल की बातें भी तो सही है ना, वो अपने लिटिल से ब्रदर को किसी गलत अल्फा के हाथों में तो नहीं दे सकते ना, चाहे कुछ भी हो। वो हमेशा अपने क्यूट से केतन को प्रोटेक्ट करेंगे। ये सभी बातें शिचैन अपने मन में सोच रहे थे। तब लानी अंदर आई। उन्होंने शौजान को कहा, बस करो, अब ऐसा मत, रोने मत लगना। केवल लानी ही अंदर थी, कोई भी अंदर नहीं आया था, और उन्होंने दरवाजे को भी अच्छे से प्रॉपरली बंद कर दिया था। वो अपने होने वाले सन इन लॉ से कुछ बातें करना चाहती थी। मैंने शौजान के प्यार से सर को सहलाया और कहा, जान तुम सबको दिखाती हो कि तुम एरोगेंट हो, फिर तुम्हें सच में सबकी बहुत ज़्यादा केयर है, खासकर मेरे प्यारे से बच्चे की, है ना। मेरा ये बच्चा, मेरा प्यारा सा इबो, इसे दुनिया की कोई समझ नहीं है, बहुत मासूम है। इसे हमने कभी भी दुनिया की बुराइयों को दिखने नहीं दिया, हमेशा उसे प्रोटेक्ट किया। और जब भी ये स्कूल में रहता था, शार शिनचैन हमेशा उसके साथ रहता था, उसके दोस्त उसके साथ रहते थे। इबो कभी भी, वैसे बड़ा हुआ ही नहीं, उसने कभी भी दुनिया की बुराइयाँ देखी ही नहीं, और मैंने उसे देखने दी भी नहीं। मैं हमेशा अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखती थी। हाँ शिचैन, वो बहुत ज़्यादा समझदार है, शुयांग को भी दुनिया की समझ है, पर मेरे प्यारे से इबो को इसका कोई समझ नहीं है। मैंने अपने इबो को बहुत प्यार से बड़ा किया है, और अब इसका हाथ तुम्हें दे रही हूँ। हमेशा इसको प्रोटेक्ट करना, ये हमेशा मुसीबतें खड़ा कर देता है, हमेशा किसी न किसी नई मुसीबत में फंसता ही रहता है, पर मुझे उम्मीद है कि उसका अल्फा उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, है ना। ऐसा कहकर लैनी ने धीरे से इवो के हाथ को शौजान के हाथ में रख दिया, जैसे वो अपने बेटे को अभी ही शौजान का दे दे रही हैं, एक रिचुअल मैरिज की अभी ही वो पूरी कर दे रही हैं। शौजान ने भी इवो के हैंड को टाइटली ग्रैब कर लिया और कहा, इसका हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, इसलिए नहीं कि मैंने इसे क्लेम कर दिया है, इसलिए कि अब ये सिर्फ मेरा है, ये हमेशा से ही मेरा था, मैंने हमेशा से प्रोटेक्ट किया है, और अब भी इसे करूँगा, मैं इसे कभी भी हर्ट नहीं करूँगा, इसे कभी भी चोट नहीं पहुँचाऊँगा, मैं वादा करता हूँ आंटी। लैनी ने तब धीरे से उसके सर पे मारते हुए, हिट करते हुए कहा, आंटी, मॉम कहो मुझे तुम, खबरदार आंटी कहा तो, तुम्हारी टांगे देख लो ना, मैं तोड़ दूँगी, समझे ना। शौजान इस पर हंसने लगा और प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है हमारी और मॉम की, हम दोनों की अच्छी बनने वाली है ना मॉम। तब लैनी ने टाइटली शौजान को हग कर लिया और कहा, बिल्कुल, मैंने सुना था कि कैसे तुमने हमारे मेरे प्यारे से इवो को बैक स्टेज पे डाटा है, मुझे उसकी रिकॉर्डिंग मिली, इवो के बॉडीगार्ड्स ने मुझे उसे सेंड किया। तब शौजान ने कहा, मैंने इसीलिए तेज से कहा था ताकि सब सुन सके आप भी कि मैं इवो के साथ कुछ भी कर सकता हूँ अगर वो मेरी बातें ना सुने तो।
तब नैनी ने मुस्कुराया और कहा ठीक है तो चलो, अब जब ईबो उठेगा तब इसी तरीके से उसे फाइट कर लेना, अगर कर पाओ तो। अब तो उसकी अल्फा हो गए हो तो कर पाओगे, डांट पाओगे उसे? शादा ने क्यूटली कहा, क्यों नहीं, उसे प्रोटेक्ट करना हो तो उसे बंद करके भी रख सकता हूँ, चाहे जो हो जाए उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। तब नैनी ने सीरियस आवाज़ और फेस के साथ कहा, अगर उसने तुम्हें अपना अल्फा ना माना तो क्या करोगे, छोड़ दोगे मेरे बेटे को? इस पर शाहजान भी समझ जाता कि ये एक माँ की वॉइस थी, एक माँ की चिंता थी अपने सन के लिए। तब शाहजान ने कहा, कभी नहीं, मैं जानता हूँ ईबो के दिल में मेरे लिए बैड पर्सन वाली एविल पर्सन की इमेज है, और इस इमेज का कारण भी मैं हूँ। उस इंसिडेंट के बारे में आपको तो पता ही होगा ना, उस दिन। अब यहाँ से फ्लैशबैक स्टार्ट होता है और हमें शाहजान और हमारे प्यारे से ईबो की फर्स्ट मीट दिखाई जाती है, पहली बार वो जब मिले थे, सबसे पहली बार जब वो मिले थे। तो यहाँ से फ्लैशबैक है, हमारी प्यारी सी ओमेगा को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे, और उसी समय शाहजान ने भी ईबो को अप्रोच किया था, क्योंकि ईबो को वो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने वाले थे। ईबो बहुत ज़्यादा ही फेमस है और वो एक टॉप आर्टिस्ट है, तो इसलिए वो उसे अपने ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते थे। तो शाहजान ने ईबो को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसके लिए ईबो को शाहजान के लिए छोटी छोटी फ़ोटोशूट्स और प्रमोशन वीडियोस बनाने थे। ऐसे ही बहुत अच्छे से वो दोनों ही काम कर रहे थे। वैसे तो शाहजान उसमें कभी भी नहीं आता था, पर एक बार शाहजान आया था देखने के लिए ईबो के काम को, कि आखिर वो कैसा कर रहा है। उसने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें सुनी थी, और उस दिन जब वो आया था तो उसे शाहजान को वहाँ पे ईबो की फ़ोटोशूट चल रही थी। ईबो की फ़ोटोशूट मेनली शैम्पू की एड के लिए थी, तो उसे यूजली उसे अप्लाई करके दिखाना था, इसलिए उसने एक वाइट टी शर्ट पहन थी। और फोटोग्राफर ये शाहजान ने हायर किया था, ये उसकी कंपनी का नहीं था, क्योंकि उसकी कंपनी का जो भी फोटोग्राफर है वो बीमार हो गया था, इसलिए उसने बाहर से उसे हायर किया था ताकि ये फ़ोटोशूट कंटिन्यू रहे। पर उसने वो फोटोग्राफ़र बहुत ही अजीब अजीब और बहुत ही अनकंफर्टेबल सीन्स को ईबो को कह रहा था करने को, और ईबो भी मजबूरी में कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो सभी कर रहा था, शाहजान से देख रहा था, और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने तुरंत ही उस फोटोग्राफ़र को एक खूसा कस के दिया, एक पंच बहुत ही तगड़ा दिया, और वो फोटोग्राफ़र उसके कैमरा के साथ ही गिर गया। शाहजान ने उसके कॉलर को डायरेक्टली पकड़ा और कहा, हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से फ़ोटो क्लिक करने की, दोबारा अगर मुझे दिखे ना तो कसम बता रहा हूँ मार डालूँगा मैं तुम्हें, अभी तो केवल तुम्हें पुलिस को हवाले कर रहा हूँ, अगली बार मेरे इसके पास आया तो अच्छा नहीं होगा। ईबो से बहुत ज़्यादा डर गया था, और वो जल्दी से दौड़ के आया। उसने कहा, क्या हुआ, क्या आपको अच्छा नहीं लगा? तब शाहजान ने चिल्लाते हुए गुस्से में कहा, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा वो कैसे मेरी फ़ोटो क्लिक करा है? क्या तुम्हारे पास अकल नहीं है? हाँ, किस तरीके की ओमेगा हो तुम, या फ्लर्ट करे उससे तुम? बहुत ही रूडली ये सभी हार्श वर्ड्स हमारे प्यारे से ईबो को कह रहा था, और इसीलिए तभी से शोयांग वहाँ आया, और उसने, हाँ, शोयांग अपने ब्रदर की फ़ोटोशूट पे आया था, उसे भी गुस्सा आ रहा था। पर जब उसने शाहजान की इतनी रूड बातें सुनी, इतनी कड़वी बातें ईबो के लिए सुनी, उसका गुस्सा बढ़ गया, और इसलिए उसने ईबो के थे और शाहजान के बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट था, दोनों भी कॉन्ट्रैक्ट थे, उसे कैंसिल कर दिया, और ईबो को खींच से वहाँ लेके गया वापस। तब ईबो ने एक पल के लिए शोयांग से अपने हाथों को हटाया और कहा, तुम सच में बहुत ज़्यादा बुरे हो, मुझे लगा था तुम एक बिलीनियर हो, तो कम से कम मैं मैनर्स तो होंगी, पर नहीं, तुम एक डेविल हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम ईवल हो, मैंने तो ये बस सब केवल अपने काम के लिए करा था, पर तुमने तो इसे गलत ही ले लिया, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या दिक्कत है, पर अभी आगे से मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहता, मैं शक्ल कभी नहीं, और कभी भी मैं तुम्हारी कंपनी के साथ काम नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। वो सभी बातें वो बहुत ही प्यार से
बहुत ही एंग्रीली पाउट करते हुए कह रहा था। शाहजहाँ को उसी समय फर्स्ट टाइम उससे ईवो से वही उससे प्यार हो गया। शाहजहाँ हमेशा ही ओमेगा को प्रोटेक्ट करता, चाहे जो भी हो, अगर कोई भी उसे बुली करा तो वो हमेशा उनके साइड रहता था। इसीलिए बस वो नहीं चाहता था कि वो फोटोग्राफर ईवो की गलत पोजेस में फ़ोटोज़ ले, बस इसलिए। पर ईवो ने तो उसे गलत समझ लिया। आखिर हमारे पहले ईवो की भी कोई गलती नहीं थी। देखिए इसमें शाहजहाँ ने उसे समझाया ही नहीं, बस इतनी बुरी तरीके से उसे डांट दिया, जबकि आज तक कभी भी किसी ने भी ईवो पे चिल्लाया नहीं था। तो जाहिर सी बात है, ईवो को बुरा तो लगेगा ना। आप ही बताइए, आप पे कोई बिना गलती के चिल्ला दे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। तो इसमें हमारे पहले ईवो की भी कोई गलती नहीं थी और ना ही शाहजहाँ की गलती थी, पर ये सिचुएशन ही ऐसी थी, इसलिए दोनों ही बिल्कुल राइट थे अपनी जगह पर। और तब यहाँ फ्लैशबैक एंड होता है। शाहजहाँ कह रहा था लानी से, वैसे मदर अगर ईवो मुझे एक्सेप्ट नहीं भी करता ना तो भी मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। उसके बाद शाहजहाँ ने कहा, मदर आपको वापस घर जाना चाहिए, आप रेस्ट कीजिए, आप इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से रोई हैं, अभी तक आपकी पूरी आँख पूरे लाल हो चुके हैं। मदर आप सबको लेके जाइए, आप उन्हें कहिए कि वो रेस्ट करें, मैं यहाँ ईवो के पास रुकता हूँ, मुझे उम्मीद है वो सुबह तक होश में आ जाएगा, तो आप सुबह आ जाइएगा। लैनी ने कहा, तुम सीधे सीधे कह सकते थे कि तुम्हें अपने ओमेगा के साथ समय बिताना है, हम चले जाएंगे, देखो हम बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। शाहजहाँ इस पर शर्मा गया और कहा, मदर ऐसी बात नहीं है, आप अपनी हालत देखिए, आप कब से रो रही थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अगर उसके ब्रदर या शॉर्ट इंचार्ज रुकना चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो रुक सकते हैं। और तब यानली अंदर आ रही थी, ये सभी बातें वो सुन रही थी। तब यानली पीछे से कही कि लगता है अपनी इस मदर को तुम भूल गए शाहजहाँ, हाँ लगता है तुम्हें नई मदर तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई, ये तो बहुत गलत बात है। यानली ईवो की मदर लानी से कंप्लेन करते हुए कह रही हैं, ये तो गलत बात है, मेरा बेटा आपका हुआ भी नहीं और अभी से आपने इसे चुरा लिया, जब ईवो इसे क्लेम कर देगा तब तो क्या आप मेरे बेटे को चुरा ही लेंगे अपने पास। तब लानी ने कहा, क्यों नहीं, अब तो ये मेरा सन इन लॉ है, सन इन लॉ गया, ये मेरा सन ही है, सेकेंड सन। तब यानली ने फिर से कंप्लेन करते हुए कहा, ये तो गलत बात है, वैसे ही अब ईवो आपके पास रहेगा तो अब मेरा बेटा तो आप ही के घर पे रहेगा, चक्कर ही काटता रहेगा, ये मेरे पास तो आएगा है नहीं, अभी तो कम से कम मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, मुझे भी उसे प्यार करने दीजिए। यहाँ दो नहीं मदर के बीच में क्यूट सी फाइट होने थी शाहजहाँ को और ईवो के लेकर। शाहजहाँ ने इस पर एक बड़ी सी स्माइल करते हुए कहा, मेरी दोनों ही क्यूट क्यूट और ब्यूटीफुल मदर्स, आप सब चिंता ना कीजिए, मैं दोनों को ही उतना ही प्यार करूँगा। तब दोनों ने एक साथ कहा, और ईवो, शाहजहाँ ने कहा, वो प्यार अलग अलग है, आप मिक्स मत कीजिए, अलग अलग प्यार है, वो मेरा अब वाइफ ही होने वाला है और आप मेरी मदर है तो अलग अलग हुई ना, कोई नहीं मैं आप दोनों को बहुत ढेर सारा प्यार करूँगा, बस खुश। अच्छा आप दोनों ही जाइए, आप दोनों ही देखिए, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड में थी, अब जाइए, और अगर ईवो के ब्रदर्स या शॉ सिंचन को रहना है तो आप उन्हें रोक दीजिए, और हाँ अपने लिए पहले कुछ मेडिसिन और फूड ऑर्डर कर लीजिएगा, और घर पे जाके बनाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ठीक है। तब लानी ने कहा, तुम्हें बहुत ज़्यादा केयर है शाहजहाँ, प्लीज़ मेरे बेटे की भी ऐसी ही केयर करना, तुम्हें पता है ना वो बहुत ज़्यादा सती है, स्टबन है, रूड है, पर उसका दिल बहुत साफ है, प्लीज़ अगर वो तुम्हें हर्ट करे ना तो पलट कर उसे हर्ट मत करना, वो नहीं सह पाएगा, वो बहुत ज़्यादा मासूम है। तब यानली ने भी कहा, हाँ शाहजहाँ खबरदार मेरे सन इन लॉ को हर्ट किया तो तुम्हारे घुटनों पे तुम्हें बैठने की मैं सज़ा दूंगी और तुम्हारे घुटनों को मैं बिल्कुल तोड़ दूंगी। तब शाहजहाँ ने अब कंप्लेन करते हुए कहा, अरे अब कौन ईवो के पक्ष में जा रहा है, हाँ अब कौन ईवो की तरफ जा रहा है, मैं जा रहा हूँ मम्मा, आप दोनों ही मम्मा, अब ईवो की साइड हो गई तो मेरी साइड कौन रहेगा। तब लान सिचान या कह लीजिए वांग सिचान अंदर आते हुए कहे, मैं हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हारे साइड में रहूँगा। शाहजहाँ इसकी तो कल्पना नहीं कर रहा था, ये बिल्कुल भी वो नहीं सोचा था कि
ईबो की ब्रदर वांग सीचन उसे एक्सेप्ट कर लेगी एज अल्फा ऑफ ईबो। वो शौक था, तब सीचन ने कहा, ऐसे शौक एक्सप्रेशन मत दिखाओ, मैं पहले से ही जानता हूँ कि तुम हमेशा अपनी दो बॉडीगार्ड्स को ईबो पे नज़र रखने के लिए हायर किए हो। 2 साल से ये सब हो रहा है ना, तुम्हें क्या लगता है मेरे बॉडीगार्ड्स ने उन्हें देखा नहीं है? मैं सब जानता हूँ, मैं जानता हूँ उस दिन फोटोशॉप शूट पे क्या हुआ था, और वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम उसकी केयर करते हो, तुम उसे कभी हर्ट नहीं करोगे, इसलिए मुझे तुम पसंद हो, आई एक्सेप्ट यू। मेरे ब्रदर की अल्फा के लिए मैं तुम्हें मंजूरी देता हूँ, पर हाँ, शुयांग और ईवो की बहन का मैं नहीं जानता वो दोनों क्या करेंगी। तब शाहजहाँ ने स्माइल करते हुए कहा, शुयांग वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर हाँ, फी मुझे एक्सेप्ट कर देगी, वांग फी इतनी बुरी भी नहीं होगी। क्यों फी? फी उसके पीछे ही खड़ी थी, और तब फी ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, जब तक आप मेरे ब्रदर क्यूट से ब्रदर को हर्ट नहीं करते तब तक मैं आपके साइड में हूँ, और जिस दिन उनकी आंखों में आंसू आए आपकी वजह से मैं सच में आपको काट ही लूँगी। तब शाहजहाँ ने स्माइल करते हुए कहा, तुम सबसे ज़्यादा क्यूट हो, ईबो से भी ज़्यादा, ईबो ब्रदर से भी ज़्यादा मैं क्यूट हूँ, फी ने कहा। तब शाहजहाँ ने कहा, सोचते हुए कहा, वैसे तो मेरी ओमेगा से ज़्यादा क्यूट तो तुम भी नहीं हो सच में। ये फिर इस पे ई ने स्माइल कर देगा, गुड, यही मुझे रिप्लाई चाहिए था, वरना मैं सच में आपकी टांगें तोड़ देती, मुझे मेरे पास बहुत सारे बॉडी गार्ड्स हैं। यहाँ सारी फैमिली की डिस्कशन हो रही थी, और ऐसे ही वो पूरी शाम बीत गई, सब वापस घर गए ही नहीं। इनकी दोनों की ही फैमिलीज के बीच में काफ़ी सारी बातें हुई, शाहजहाँ से काफ़ी सारी बातें, और इन सभी बातों में रात हो चुकी थी, और तब सभी ने डिसाइड किया कि वो लोग इस हॉस्पिटल के बगल में जो होटल है वहाँ रुकेंगे। हॉस्पिटल में इतने सभी लोग नहीं रुक सकते थे, इसलिए केवल हॉस्पिटल में वांग सीचन और शाहजहाँ ही रुके थे। लैन ई भी रुकना चाहती थी, पर दोनों ही बेटे और अंकल की वजह से उन्हें जाना पड़ा, और शाहजहाँ भी नहीं चाहता था कि वो रुके, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मिस में हो चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा रोई थी इसीलिए। और यहाँ रात तक दोनों ही ईबो के कमरे में थे, ईबो के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं था, वो बस सोया हुआ था अनकॉन्शियसली बेड पर, और शाहजहाँ बस उसके हाथ को ग्रैब किए आराम से उसके बगल में सो रहा था। सुबह डॉक्टर्स आए, उन्होंने ईबो को चेक किया और कहा, बस अब वो उठने वाला है, तो आप दोनों ही चाहे तो अपनी फैमिलीज को कॉल कर सकते हैं, अब वो उठने वाला है तो आप उन्हें बुला लीजिए। तब जल्दी से दोनों ने ही सबको मैसेज कर दिया आने का, जल्दी जल्दी सभी रेडी हुए और यहाँ गए। लैन ई और हमारी प्यारी सी और यानली दोनों ही मदर्स ने मिलकर अपनी दोनों ही बेटों के लिए प्यार से बहुत सारा नाश्ता बनाया था। वो सभी उसे लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। यहाँ ईबो को धीरे धीरे होश आ रहा था, सभी उसके कमरे के बाहर अंदर थे, और तब धीरे से ईबो ने मामा कहा, जल्दी से लानी उसके पास गई, उसने उसे पकड़ लिया और कहा, बेबी तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें दर्द हो रहा है? धीरे से उसे बेड पर बैठाया। तब मैं हमारा प्यारा सीबो धीरे से उसने अपनी आँखें खोली, उसने सबसे पहले शाहजहाँ को देखा वहाँ पे, और उसे देखते उसने पाउट कर लिया, और तब धीरे धीरे उसे सभी बातें याद आने लगी, क्या हुआ, उसने कैसे उसे क्लेम कर लिया था, वो अब उसका अल्फा है क्या, वह सब सब कुछ उसे याद आ रहा था। 10 मिनट तक कुछ भी, कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था, बस सब ईबो की तरफ देख रहे थे, और ईबो आँख बंद करके वो सारे इंसिडेंट्स को याद कर रहा था। और तब उसने सबसे पहले कहा, मैं तुम्हें अपना अल्फा नहीं मानता। सब शांत थे, सब जानते थे कि वो यही कहने वाला है, सबको पूरा पता था, क्योंकि जिस तरीके से शाहजहाँ ने उसे क्लेम किया है तो जाहिर सी बात है कोई भी ओमेगा ऐसे क्लेम होना तो नहीं चाहता होगा।
इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है उन लोग के साथ। और तब यानली और लैन ई दोनों ही आगे आई। एक तरफ तो लैनी खड़ी थी पर दूसरी तरफ ईबो के यानली जाके खड़ी हो गई और दोनों ही मदर्स ने प्यार से ईबो के सर पे हाथ फेरा और कहा, ईबो हेलो गाइस, हेलो वांगशिन एनी जान लवर्स। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो अब हम लोग कल देखेंगे कि दोनों मदर्स क्या कहती हैं, हमारे ईजान कपल के बीच में क्या होता है। मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्यूट क्यूट से तीखी मिर्ची फाइट होने वाली है, आपको बहुत मज़ा आएगा। और हाँ, मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि उन्हें मेरी वॉल्यूम वीडियो की थोड़ी कम लगती है, तो मैंने इस वीडियो में थोड़ी हाई वॉल्यूम की है, तो आई थिंक आप इसके साथ ओके हो। या अगर आपको थोड़ी और वॉल्यूम चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं और बढ़ा के बनाऊँगी वीडियोस। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और मैं इतने दिन से लीव पे थी तो मैंने ये वीडियो बड़ी बनाई, तो आई होप आप सभी से हैप्पी हो। और बाय बाय गाइस, ऑलवेज लव वांगशिन एनी जा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।